नमस्कार साथियों, स्वर मृदुला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 4 अगस्त 2020 को हिमाचल के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जन्म जयंती है। 4 अगस्त 1906 को डॉक्टर परमार का जन्म हुआ। उनका जीवन संघर्षमय रहा और उन्हीं के संघर्ष के फलस्वरूप आज हिमाचल प्रदेश का एक बृहत स्वरूप बना है। उन्हीं की प्रयासों से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया और उन्हें हिमाचल निर्माता के रूप में आज भी पूरा हिमाचल उनके वंदन करता है। परमार साहब के जीवन पर और प्रजा मंडल का इतिहास पर हमारे साथ आज चैनल पर चर्चा के लिए आए हैं हिमाचल प्रदेश के बहुत मशहूर लेखक, कवि और शिक्षाविद डॉक्टर हमेंद्र बाली जी। तो आइए उनसे सुनते हैं, समझते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के संघर्ष का सफर। डॉक्टर साहब, आपका स्वर मृदुला चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का 114वां जन्म जयंती 4 अगस्त को मनाई जा रही है। स्वर मृदुला चैनल ने यह सोचा कि हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के ऊपर एक चर्चा का आयोजन किया जाए, तो चैनल को आपसे बेहतर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं लगा जो इस विषय पर अपना विस्तृत ज्ञान जो है श्रोताओं को, दर्शकों को बांट सके। तो मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि आप डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के बारे में, प्रजामंडल के बारे में अपने विचार प्रकट करें, कुछ प्रकाश डालें और इस महान विभूति को हम नमन भी करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं जिनके प्रयासों से आज हम हिमाचल में एक स्वतंत्र सांस ले रहे हैं। तो कृपया आप हमें विस्तृत जानकारी दें। नमस्कार। हिमाचल में रियासती प्रजामंडल मूवमेंट में डॉक्टर वाईएस परमार जी का जो योगदान है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रहा है। प्रजामंडल मूवमेंट को एक नया स्वरूप देना और उसके बाद जब हिमाचल का अस्तित्व 1948 में आया, उसके बाद 1952 में हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री के रूप में मुझे वहाँ नियुक्त हुए, एक लोकतांत्रिक सरकार यहाँ बनी। उसके बाद जो हिमाचल को बनाने में यहाँ के भौगोलिक स्थिति इस तरह की थी कि जितना कुछ पहाड़ी क्षेत्र हमारा हिमाचल का था, जो कि कुछ क्षेत्र जो है कांगड़ा हिल स्टेट्स में भी था, तो ऐसे प्रयास चल रहे थे कि भाई उसको पंजाब में भी ले किया जाए। पर उनके सतत प्रयासों से, उनके विवेकशील नेतृत्व में 1966 में हिमाचल, एक विशाल हिमाचल के अस्तित्व के रूप में हमारे सामने आया। डॉक्टर परमार साहब का जो प्रारंभिक जीवन रहा है उसमें इन्होंने अपने मैट्रिक की परीक्षा जो है वो नाहन से की और ग्रेजुएशन इन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद डॉक्टर परमार, जो आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLB और वहीं से इन्होंने समाजशास्त्र में PhD किया। 1930 से लेकर 1937 तक ये सब जज और मजिस्ट्रेट रहे और उसके बाद ये सेशन जज तक इन्होंने सिरमौर रियासत में काम किया 1941 तक। लेकिन रियासती चाटुकारिता की वजह से ये थोड़े विवाद में रहे अपने न्यायप्रियते की वजह से, तो इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया और इन्होंने भी स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद फिर ये लाहौर वापस चले गए अपने बड़े भाई के साथ और वहाँ पर इन्होंने कुछ काम किया। लेकिन स्वाधीनता और हिमाचल प्रदेश वासियों के प्रति इनकी जो अगाध श्रद्धा, अगाध प्रेम था उनके जीवन के प्रति, उसके आंदोलन के लिए ये फिर प्रजामंडल में ये जुड़े और प्रजामंडल के साथ इन्होंने जाकर के हिमाचल के निर्माण का कार्य आरंभ किया। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल निर्माता क्यों कहा जाता है, इस पर आप अपना वक्तव्य दें, अपना प्रकाश डालें। डॉक्टर परमार जी जैसे रियासती काल में, जैसे आपने कहा कि वो सेशन जज थे और वहाँ के राजा ने उनको पदच्युत किया, उसके बाद सीधे ही अपने
आजादी के मूवमेंट में यहाँ पर जुड़े, खासतौर पर उस पर प्रजामंडल मूवमेंट को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो कि उसे आगे ले जाए, इसको अपनी परिणति तक ले जाए। और उसके बाद 1946 में जो हिमालय रियासती प्रजामंडल का जो सम्मेलन हुआ, मंडी में हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे वो प्रणब स्वामी जी थे, तो वहां पर पूरी भूमिका बनी कि किस तरह से हम लोगों ने सत्याग्रह इन रियासतों में चलाने हैं। तो उसके बाद ये 1947 का जो समय था उसमें इस पर पूरी रूपरेखा बनी, 1 जनवरी 1947 को ये हिमालयन हिल स्टेट रिजन काउंसिल बनी, पर उसमें टिहरी गढ़वाल वाला जो दल था वो थोड़ा सा उसमें मतभेद आ गया। उसके बाद जो रॉयल होटल शिमला में उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें पंडित पदमदीप जी के साथ, शिवानंद रमौल जी के साथ उन्होंने हिमालय रियासती सब रीजनल काउंसिल की जो स्थापना करी, और इसी ही एजेंसी ने, इसी ही एक बॉडी ने जो है आगे प्रजामंडल मूवमेंट को आगे लेके, और 8 और 10 फरवरी 1948 को जब आज़ादी तो मिल चुकी थी पर रियासतें तो अभी तक गुलाम थी, तो वहाँ पर तत्तापानी में मीटिंग हुई और सुगेत के बहुत सारे कम से कम 100 सत्याग्रही वहाँ थे, और रूपरेखा बनी कि पहला जो हमारा सत्याग्रह जो होगा वो सुगेत से शुरू करेंगे। हालांकि 1948 में जो है, मतलब 47 में जो है, सागरी हमारी पहली प्रजातंत्र सरकार बन चुकी थी, चंद्र लाल जी जो यहाँ की उस सरकार के सीएल वर्मा जी, सीएल वर्मा जी, चंद्र लाल वर्मा जी है उसके वो अध्यक्ष बने, तो हिमाचल की पहली सरकार बनने का गौरव जो है बड़ा सागर की इस रियासत को है। पर 1948 में अभी तो हिमाचल की सारी रियासतें थी, महासू की ही 26 रियासतें थी, तो उसको उसकी जो सारी पटकथा है उस आंदोलन की, सत्याग्रह की, वो तत्तापानी में तैयार हुई और पद्मदेव, पंडित पद्मदेव जी को उसमें नियुक्त किया गया। तो ये 16 फरवरी को 48 घंटे का जो लक्ष्मण सिंह राजा था सुगेत का, उसको एक नोटिस दिया गया कि आप जल्दी जल्दी जो है इसको मर्ज करवाएं भारत संघ में, पर 48 घंटे में कोई जवाब नहीं मिला। पर उसके बाद 18 फरवरी को आंदोलन तत्तापानी से शुरू किया पंडित पद्मदेव जी ने, और तत्तापानी से ऊपर चौकियां वगैरह जो बक्षाट होते हैं वो शाम को जो है वो करसोग पहुंचे, और एक जो टुकड़ी थी सत्याग्रहियों की वो फिरनू, बहना फिरनू से जो है वो शाम को वहां पहुंची। और इस तरह से 25 फरवरी 1948 को कम से कम 25,000 सत्याग्रही जो है सुंदरनगर सुगेत रियासत में पहुंचे, और वहां पर वहां के राजा ने आत्मसमर्पण कर लिया, और 26 फरवरी 1948 को पहली सुगेत रियासत जो है वो भारत संघ। तो इसमें परमार जी ने ही सत्याग्रह की जो पटकथा थी उन्होंने लिखी, और उसके बाद हिमाचल को यहाँ पर 15 अप्रैल को एक चीफ कमिश्नर स्टेट घोषित किया, पर उससे वो संतुष्ट नहीं थे परमार जी। उसके बाद जो हिमाचल एक बहुत छोटा क्षेत्र था भौगोलिक रूप से, और उसको पूर्ण रूप देने के लिए यहाँ के जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र थे उनको संगठित करके, उसको इंटीग्रेट करके जो है एक विशाल हिमाचल बनाने का जो उनका संकल्प था, उसके उन्होंने प्रयास किए, और वो दूसरे भारत के दूसरे जो सी स्टेट थे उनके साथ भी मिले। तो 1 सितंबर 1951 में सी स्टेट एक्ट बना, लोकसभा का बना, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक लोकप्रिय सरकार बनी, 24 मार्च 1951 में सरकार बनी, और 51 से लेकर के वो 31 जुलाई 1956 तक वो हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद दोबारा से हिमाचल को 1 नवंबर 1956 के बाद जो है केंद्र शासित राज्य बनाया गया, और अंततः फिर जुलाई 1963 से पुनः वो इस लोकप्रिय सरकार के वो मुख्यमंत्री बने। और वो सबसे बड़ा दिन तो 1 नवंबर 1966 को था, जबकि कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कंडागढ़, नालागढ़, डलहौजी, इस तरह जितना पंजाब के क्षेत्र भी था इसमें, तो ये सारा क्षेत्र जितना भी पहाड़ी भाषा भाषी क्षेत्र था हमारी पहाड़ी बोलियों का था, जहाँ की सांस्कृतिक एक समानता साम्यता थी, उसको गिटा करके विशाल हिमाचल बना। वो हमारी सबसे बड़ी जो एक जो इनका योगदान रहा है। अगर परमार जी के संबंध केंद्र की नेतृत्व के साथ नहीं होता, और उनकी एक दूरदर्शिता, उनकी सूझबूझ ना होती, तो शायद हिमाचल का जो स्वरूप हम आज देखते हैं, एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में देखते हैं, शायद वो आज ना होता। इसलिए हिमाचल के वो निर्माता हैं, और वो एक बहुत ही अनडिस्प्यूटेड यहाँ के लीडर रहे हैं, एक बिल्डर रहे हैं, और उसके बाद हिमाचल को पूर्ण राजत्व मनाने में, पूर्ण राजत्व का स्वरूप देने में उनका बड़ा हाथ रहा। और वो दिन भी आया 25 जनवरी 1971 को कि यहाँ पर उस प्रगति के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने स्वयं आकर के इतनी बर्फ के बीच में यहाँ पर यहाँ के स्टेटहुड को मनाया, और वो सबसे बड़ी हमारी जीत। उसके बाद 1970 तक उनका जो नेतृत्व रहा, उसमें जैसा कि
सभी को मालूम है कि इतनी सादगी उनकी उनमें थी, और जहां कहीं जाते थे उनकी पहले ये दिशा निर्देश होते थे कि किसी तरह का कोई तामझाम नहीं होना चाहिए, बहुत आडंबरों से दूर सारा रहे। समझा नहीं होनी चाहिए। अभी आजकल ये बात चल रही है कि उनके अपना जो पैतृक घर है वो गिरने के कगार पर है, उनने कभी घर के लिए कभी ये नहीं सोचा है। वो एक जननेता थे और उनका ये तो कहना था कि जितने भी सरकार का जो एक उत्तरदायित्व है, उनकी जो जवाबदेही है वो जनता की है, और इस तरह के जन नेता, हम कहेंगे जननायक हैं, वो सदियों में पैदा होते हैं। तो परमार जी का आजादी से पहले इस सारे इन रियासतों के लोगों को संगठित करने, इस संघर्ष को जो आगे लेकर के हिमाचल को बनाने और हिमाचल को पूर्ण स्वरूप देने में जो उनका योगदान रहा है, उसको आने वाली पीढ़ियां कभी भुला नहीं सकती है। और होना तो ये चाहिए कि उनके जीवन के जो उनके जो उनका जीवन, उनका जो योगदान हिमाचल के लिए रहा है, उनका जो कृतित्व भी रहा है, उनमें जो लेखनी के माध्यम से यहाँ के समाज पर जो कुछ लिखा है, पॉलियंड्री पे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ के शुरू ट्राइब्स पे लिखा हुआ है, और उसको आज पाठ्यक्रम में एक उसका एक बनाया जाए, और हमारे आज की पीढ़ी उनके उस व्यक्तित्व से, उनके संघर्ष से वो प्रेरित हो। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, हिमाचल निर्माता के विषय पर डॉक्टर हेमेंद्र बारी जी ने विस्तृत चर्चा की हमारे सौर मृदा चैनल पर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस परिचर्चा में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, हिमाचल निर्माता, ने मुझे बुलाने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इतने बड़े व्यक्तित्व पर कुछ बोलने का मौका मिला, और एक दार्शनिक शासक के ऊपर बोलने का। और मैं समझता हूँ कि इस परिचर्चा से देखने वालों के लिए एक अच्छा ज्ञानवर्धन होगा, एक ऐसी विभूति का जो निस्वार्थ भाव से इस राज्य के कल्याण के लिए अंत समय तक, अंतिम सांसों तक वो लगे रहे। धन्यवाद। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का सामाजिक और राजनीतिक जीवन समर्पण का रहा है। उनका हिमाचल प्रदेश के वासियों के लिए और देशवासियों के लिए जो समर्पण का जीवन था, वही उन्हें महान बनाता है और वही उन्हें हिमाचल निर्माता का भी ओहदा देता है। स्वर मृदुला चैनल का भी यह सौभाग्य है कि हमने इस महापुरुष के विषय पर चर्चा की है। और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, जिन्होंने अपने संघर्षमय जीवन से आज हमें हिमाचल के लिए एक बहुत गुरहित स्वरूप दिया है, अपने जीवन काल में उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया है। जब उनका अंतिम समय आया और उन्होंने जब ये शरीर छोड़ा, तो बैंक में उनके 563 रुपए 30 पैसे उनके बैलेंस में थे, उनके खाते में थे, जो उनकी ईमानदारी का परिचय है कि वो कितने ईमानदार थे। नहीं तो मुख्यमंत्री थे ना, उन्होंने अपने लिए घर बनाया, ना उन्होंने कभी अपने लिए गाड़ी ली, और HRTC की बसों में उन्होंने सफर किया है। तो ऐसे महापुरुष को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम उन्हें अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और प्रदेश सरकार से भी हमारा निवेदन रहेगा कि इस चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रदेश सरकार से कि आने वाले हिमाचल के बच्चों को, आने वाली हमारी पीढ़ियों को कम से कम यह ज्ञान देने की कोशिश करें कि हमारे प्रदेश का सही निर्माता कौन है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। उनकी जीवनी को स्कूल में पढ़ाया जाए, इवन जो हमारे कॉन्वेंट स्कूल है उनके बच्चों को भी बताया जाए कि डॉक्टर परमार कौन हस्ती थी, कैसी हस्ती थी। जब तक हमारे भविष्य के बच्चों को इस बारे में पता नहीं होगा कि हमारा निर्माण कैसे हुआ, हिमाचल कैसे हुआ, कैसे बना, तो मैं समझता हूँ कि उनकी शिक्षा अधूरी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये परिचर्चा हम यहाँ समाप्त करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर हम धन्यवाद करते हैं, और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हम एक बार फिर श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। और दर्शकों से, देखने वालों से मेरा ये आग्रह रहेगा कि हमारे स्वर मृदुला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कृपया इसे शेयर करें, ताकि हमारा चैनल आपके आशीर्वाद से और आगे बढ़े, और भविष्य में भी हम ऐसी ऐसी महान हस्तियों के बारे में परिचर्चाएं करते रहेंगे, और सुबुद्धि लोगों को, विद्वान लोगों को आमंत्रित करेंगे। एक बार फिर सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।